भाई लोग रियलमी X2 के लगभग 90% यूज़र्स को अभी तक रियलमी UI के स्टेबल वर्जन का अपडेट देखने को नहीं मिला है। रीज़न क्या है और ये कब तक मिलेगा 90% यूज़र्स को, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं हूँ सलमान नबी, आप देख रहे हैं भाई का स्टार्टअप जी चैनल। दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बिकॉज आपके लिए मैं रियलमी की वीडियोज़ डालता रहता हूँ जो के लिए आपके लिए हेल्पफुल यूज़फुल होती हैं। तो अब और डिले नहीं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके रीज़न की कि इतना लेट क्यों हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर रियलमी ने हमसे ये बोला था कि रियलमी का जो X2 है इसके अंदर रियलमी UI मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। आज 30 तारीख और अभी तक रियलमी UI देखने को नहीं मिला है। मैंने जैसे बोला 90% यूज़र को नहीं मिला है, 10% लोगों को मिला है। दोस्तों यहाँ पर क्या बात है कि पहली बात तो यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जो पुश करना था वो बहुत ज़्यादा स्लो पुश हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि अभी भी इस जो रियलमी UI का स्टेबल वर्जन है इसमें भी बग्स हैं। ठीक है, बग्स कौन कौन से हैं मैंने इस वीडियो में बताया था आई बटन वाली में, और यहाँ पर इन्हीं बग्स को की वजह से जो स्टेबल वर्जन है वह भी डिले होने वाला है, और हो सकता है कि आपको 2 हफ्तों का वेट और करना पड़े, क्योंकि इन्होंने पहले फेज़ में सिर्फ 10% लोगों को ही रियलमी X2 यूज़र्स को ही पुश किया है अपडेट स्टेबल, और अब उन्होंने जब शिकायत करनी शुरू कर दी है इस अपडेट से रिगार्डिंग, तो वो उसको भी रोक लेंगे। अब वो उसे सोल्व करेंगे, फिर 90% यूज़र को फिर से भेजेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो कस्टमर्स को बार बार अपडेट देंगे तो वो भी तंग आ जाएंगे, क्योंकि 10% लोगों को जिनको उन्होंने रियलमी UI स्टेबल दे दिया है उन्हें फिक्स करा जा सकता है। अगर सभी को भेज दिए एक ही बार में तो सभी को अपडेट करना पड़ेगा और उनकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो घट जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है लोगों का वो घटिया हो जाएगा और ब्रांड की वैल्यू भी घट जाएगी। तो इन्हीं रीज़न की वजह से दोस्तों रियलमी UI का स्टेबल वर्जन डिले हो रहा है। एक तो मैंने बताया कोरोना वायरस, इस वजह से एम्प्लॉयज़ काम पे नहीं है, इसी वजह से जो पुशिंग का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और अभी जो स्टेबल दिया है इन्होंने और मैंने जो इसे बताया था स्टेबल लेने का तरीका वो आई बटन में है, और स्टेबल में भी बग मिल चुके हैं। तो इन्हीं वजहों से हमारे रियलमी X2 में अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है। और दोस्तों रियलमी X2 प्रो यूज़र्स की मैं क्या बात करूं, उन्होंने 30,000 रुपये लगाया है और उन्हें सॉफ्टवेयर के मामले में अभी भी उन्हें वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें हार्डवेयर तो बिल्कुल एक क्लास दे दिया है, बट जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से उनकी जो ख्वाहिश है वो दबी पड़ी है। उन्हें 865 प्रोसेसर दे दिया गया है, सुपर एमोलेड 90Hz रेशो की डिस्प्ले दे दी गई है, बट क्या दिक्कत सॉफ्टवेयर की अभी भी उनके अंदर जो वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये सबसे प्रीमियम डिवाइस X2 Pro सबसे प्रीमियम है X50 के बाद, और प्रीमियम यूज़र्स को बिल्कुल स्टेबल वर्जन बिल्कुल विदाउट बग ही इनको ट्रांसफ़र करना, ऐसी इनकी मेंटेलिटी है, मैंने ऐसा दिमाग लगाया है। अगर इनको भी जो प्रीमियम यूज़र्स हैं X Pro X50 वालों को अगर ये बग वाला अपडेट देंगे तो उनकी जो यूज़र वैल्यू है, जो उनके थॉट्स हैं रिगार्डिंग रियलमी, वो सारे बदल जाएंगे। और अगर उन्होंने 30,000 दिया है रियलमी X2 Pro में या फिर X50 में, तो क्या उनको मिलेगा, बग दे रहे हो आप, ऐसा कुछ रहता है। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अभी भी कुछ अगर आपको रह रहा है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मुझे, जिसका रिप्लाई मैं आपको बहुत ही जल्दी देने की कोशिश करता हूँ, मतलब 1 घंटे के अंदर ही आपको रिप्लाई दे दूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक ले भाई लोग जाएँ तो अपना ख्याल रखें, घर में ही रहें, बिकॉज मैं भी घर में ही हूँ, कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है।